उस हवाले से आपने बताया। बाद में फसल जब बिल्कुल तैयार हो जाती है, कटाई घाई और जखीरा करने का अमल आता है, इसमें हमारे काश्तकार मालूमात ना होने की वजह से कटाई में बहुत सा अनाज है जो वो जाया करते हैं, घाई में कुछ फसल है उसको नुकसान होता है, जखीरा करने में जो तैयार अच्छी फसल है वो जखीरा करने में कुछ ऐसे अवामल रह जाते हैं कि उस पर कीड़ों का हमला हो जाता है, बीमारियों का हमला हो जाता है, इन तमाम अवामल पे जरा सैर हासिल गुफ्तगू कीजिएगा। जी मलिक साहब, ये है कि फसल जो है सही तौर पर पकने के बाद जो है वक्त जाया किए बगैर गंदम को जमीन के करीब से कटाई करके छोटी भरियां बनाकर रखनी चाहिए। सही। और यह है कि खलियान जो है लगाते वक्त सिट्टों का रुख जो है ऊपर की तरफ रखें और भरियां खुश्क होते ही बगैर ताखीर के थ्रेशर से घाई करें और कटाई के इंसानी अमल के बायस होने वाले नुकसान से महफूज रहने के लिए बेहतर है कि कंबाइन हार्वेस्टर या रीपर का इस्तेमाल करें। सही। और अगर गंदम को जखीरा करना हो तो दाने में जो नमी है वो 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सही। और गोदामों को जो है अच्छी तरह किसी केमिकल स्प्रे, वहाँ मैलाथियन है उसका स्प्रे करना चाहिए और स्प्रे करने का बाद जो है गोदामों को कम से कम 2 दिन बंद रखने के बाद उनके दरवाजे खोल देने चाहिए और इसके बाद 5-6 घंटे बाद तक जो है गोदामों में दाखिल नहीं होना चाहिए। सही। अब फिर अगले दिन इनकी अच्छी तरह सफाई कर ले और गोदामों में कीड़ों का जो हमला हो तो फिर उस सूरत में फॉस्टॉक्सिन की गोलियां या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इनकी गोलियां जो हैं वो मिल जाती हैं, वो गोलियां रखें और इंशाल्लाह ताला और इसको अच्छी तरह जो है गोदाम को सील बंद कर लें। ये तो होता है गोदामों के लिए। कुछ जो है हमारे छोटे काश्तकारान हैं वो उन्होंने बड़ोले रखे हुए हैं। बड़ोलों में भी आप एक बड़ोले में अगर फर्ज करें आपने 5 बोरी रखना है या 10 बोरी रखना है जी जी। तो उसके लिए आपको 2-4 गोलियां जो है बहुत है, काफी है। सही। वो उसको उनको एक किसी कपड़े में लपेट के वो दरमियान में कहीं रख के फिर उसके ऊपर जो है वो गंदम डाल दें और उससे यह उसको सील बंद कर दें, उसकी आवाज जो है ना वो बाहर खारिज नहीं होनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो वो जो गैस है बाहर निकलेगी वो नुकसानदेह होगी। ये एक करना है। एक दूसरे अलावा अगर 10 बोरियां हो तो प्लास्टिक शीट के साथ भी कवर करके अच्छी तरह सील बंद कर दें और दरमियान में वो जो है गोलियां रख दें और ये फॉस्टॉक्सिन की गोलियां आम दस्तियाब हैं वो करके तो इससे ना तो खपरा लगता है ना उसको सुसरी लगेगी। और ये है कि ये अमल जो है देखते रहना चाहिए, 2-3 महीने बाद आप जरूर गंदम। किसान भाई तो हम जानते हैं वो उन्होंने अगर अपने खाने के लिए इस्तेमाल करना हो तो वो गाय बगाहे जो है उसको पिसाने के लिए वो निकालते रहते हैं तो उनको पता चलता रहता है कि क्या इसमें कोई सुसरी या कपड़ा का तो नहीं है। हमला तो नहीं हो गया, तो वो उस वक्त वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोग जो फॉस्टॉक्सिन की गोलियां नहीं रख सकते वो और ये नीम के पत्ते जो है वो रख दें उनके इस्तेमाल से, या नीम की जो बोरियों में रखना है, नीम की बोरियां, नीम का तेल मिलता है, नीम का तेल जो है वो छिड़काव करके अच्छी तरह आगे पीछे उसको अंदर वो अच्छी तरह वो उसके बाद दाने उसके अंदर भर। तो ये हमने देखा 1 किलो या 1 लीटर जो है तेल, नीम का तेल 10 बोरियों के लिए काफी है। अच्छा सर, मैं यहाँ एक सवाल और करना चाहूंगा कि बाज़ औक़ात घर में बोरियों में अनाज है जो महफूज किया जाता है, उसके लिए नीम का तेल है, उसकी मिकदार है जो वो महफूज करने के लिए क्या दरकार होगी और क्या तरीका कार है? वो ये है कि नीम का जो तेल है वो मिल जाता है, हमारे किसान भाई जो है वो निकलवा भी लेते हैं। अब ये है कि उसको स्प्रे, आम जो स्प्रे मशीन होती है जी जी। उसके साथ आम स्प्रे कर दें। और ये है कि मैं कह रहा हूँ कि 10 बोरियां उनके ऊपर जो है खाली बोरियां उनके अंदर बाहर जो है अच्छी तरह स्प्रे करने में 1 लीटर या 1 किलो जो है नीम का तेल वो दरकार होता है। सही जी। अच्छा सर, इसके अलावा बाज़ औक़ात गोदाम जो बड़े गोदाम है उनमें अमूमन ये मुशाहदे में ये बात आई है कि अनाज जो महफूज किया जाता है बिलखसूस जो बोरियों में महफूज अनाज है उस पर चूहों का हमला हो जाता है जी। इस हवाले से आप क्या हिदायत देंगे? उसके लिए ये है कि हम कहते हैं एक तो खिड़की का इस्तेमाल करें, दूसरा ये है कि खिड़की का इस्तेमाल के अलावा बहुत सारे वो पिंजरे होते हैं, पिंजरों का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि उनको अट्रैक्ट करके फिर मार दिया जाता है। उसके अलावा कुछ जहरीली ये समझे चूहे मार दवाइयां हैं वो दस्तियाब हैं। जिंक फॉस्फाइड है काले रंग की दवाई जी जी। जिंक फॉस्फाइड इस्तेमाल करें या राकोमिन इस्तेमाल। सही। ये इनके इस्तेमाल से जो है चूहे, राकोमिन जो है वो लगातार इसको खानी पड़ती है, 6-7 दिन तक चूहा जो है वो खाता रहे तो फिर मरता है, लेकिन जिंक फॉस्फाइड जो है इतनी जहरीली दवाई है कि वो अगर खाएगा तो फौरन मर जाएगा। सही। तो ये हैं 2 तरीके आप ये इस्तेमाल करें।
करेंगे फार्मर्स तो इंशाल्लाह ताला कोई वजह नहीं कि चूहों पर काबू ना पाए। सर, इन अदवियात की तैयारी में कुछ खुद साख्ता अमल भी दरकार होते हैं, क्या ये खुद भी तैयार की देखें ये खुद भी तैयार की जा सकती है, लेकिन ये कि अगर ज्यादा पैमाने पे अगर इसका कारोबार करना हो तो फिर तो ठीक है। अगर वैसे आपने अपने बड़ोलों के लिए या अपने घर में चंद एक बोरियां हैं उनको बचाना है चूहों से, तो फिर तो आपको ये बने बनाए तामे जो हैं वो मिल सकते हैं बाजार से भी, ना हो तो हमारे NARC में वर्टिब्रेट पेस्ट प्रोग्राम है उनसे आप ये ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये थी जी गंदम के हवाले से एक खसूसी तबसरा जो आपकी खिदमत में पेश किया गया। ये सरसब्ज लहलहात खेत हैं जो अब सोने की सी कैफियत इख्तियार कर गए हैं, और उम्मीद है डॉक्टर साहब के हमारे किसान काश्तकार हजरात अगर इन तमाम हिदायत पर अमल करेंगे तो ना सिर्फ अच्छी फसल हासिल करके वो उसे अच्छे तरीके से महफूज कर सकेंगे बल्कि एक कसीर आमदन है जो उससे भी मुस्तफीद हो सकेंगे। इस मौके पे हम अपने सुनने वालों को किसान हेल्पलाइन का प्रोमो सुनवाएंगे, फिर मिलते हैं। इदारा मुंद के लिए फने ज़रात पेश करता है किसान हेल्पलाइन 0800055056 आपके ज़रई मसाइल आपकी दहलीज पर। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद। जी दोबारा प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि इस गंदम के खसूसी प्रोग्राम के सिलसिले में आपको गाहे बगाहे हमने अपने स्टूडियोज में मदद किया और तकलीफ दी। मजीद जो काश्तकार हजरात हैं उनके लिए मफीद मशवरों के लिए आपको अपने स्टूडियोज में हम दावत देते रहेंगे, बड़ी नवाजिश है। मलिक साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, मैं किसान भाइयों से कुछ जो भी मेरा नॉलेज है या एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं। बड़ी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। इसके साथ ही इस आस और उम्मीद के साथ कि ये धरती हमेशा सरसब्ज रहे, शादाब रहे, इसी तरह ये खेत लहलहाते रहें, पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद के स्टूडियो से अपने मेजबान मसूद मलिक को इस आस और उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि खुशहाली के साथ एक और कदम आगे बढ़ा के दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका मेरा हम सबका अल्लाह रब्बुल इज्जत हामी नासिर। PARC